अगर मैं तुमसे पूछूं कि जब लाइट का रे रिफ्रैक्शन करता है या जब लाइट के रेज के रिफ्रैक्शन होते हैं, तो डेफिनेटली वो अपने मीडियम्स को चेंज करता है। लेकिन यहां पर मेरे पास दो सवाल है कि जब ये लाइट का रे इस रेयरर मीडियम को पार करते हुए डेंसर मीडियम में आएगा, तो ये अपने रास्ते से थोड़ा भटक जाएगा, यानी कि ये थोड़ा डेविएट करेगा और नॉर्मल की तरफ झुक जाएगा। लेकिन ये कितना झुकेगा, कितना डिग्री एंगल के साथ ये नॉर्मल की तरफ झुकेगा, ये मेरा पहला सवाल है। मेरा दूसरा सवाल ये है कि ये जो लाइट का रे है, ये इस एयर वाले मीडियम में कुछ 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकंड के वेलोसिटी के साथ मूव करते हुए आया। जैसे ही वो इस सरफेस पर टकराया, वैसे ही ये ग्लास मीडियम में पहुंचा और इसका जो स्पीड है वो हो गया 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर कोई दूसरा मीडियम रहता, कोई और मीडियम रहता, तो लाइट का स्पीड कितना टाइम्स चेंज करता? 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम, 100 टाइम्स, कितना टाइम चेंज होता लाइट का स्पीड एयर में और लाइट का स्पीड ग्लास में या फिर वाटर में या फिर किसी और मीडियम में? तो मेरा ये दो सवाल है। तो सवाल पहला ये था कि कितना डिग्री के एंगल के साथ ये चेंज करेगा, और दूसरा कितना टाइम्स इनके वेलोसिटीज चेंज होंगे। तो पता है इन सब का आंसर कहां है? इन सब का आंसर है एक बहुत ही फेमस फिजिसिस्ट के द्वारा दिया गया लॉज के ऊपर, और वो कोई और नहीं है बल्कि मिस्टर स्नेल, जिन्होंने हमें रिफ्लेक्शन के भी दो नियम दिए हैं, और उनके ही द्वारा दिया गया दो और लॉज है, जिनमें से सबसे पहला जो लॉ है ना, वो बिल्कुल हमारे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के सेकेंड नियम के बराबर है। जल्दी से अपने मन मन में सोचो कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का सेकेंड लॉ क्या था। बिल्कुल, कि द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल लाइज ऑन अ सेम प्लेन। यही था ना? बिल्कुल, रिफ्रैक्शन में भी लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला नियम यही है, थोड़े से चेंज के साथ। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द रिफ्रैक्टिंग सरफेस। उसमें रिफ्लेक्टिंग सरफेस था और यहां पर भी रिफ्रैक्टेड रे और वहां पर रिफ्लेक्टेड रे था। तो अगर हमारे पास इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल रिफ्रैक्टिंग सरफेस के एक ही पॉइंट पर इंसाइड करता है, ऑन द सेम प्लेन। सेम प्लेन का मतलब क्या होता है पता है? देखो, ये जो तुम्हारा सरफेस दिख रहा है, ये लाइट के रे बिल्कुल इस तरह से आ रहे हैं और इसी सरफेस पे वापस जा रहा है। ऐसा नहीं कि ये इस सरफेस पे ऐसा आके इंक्लाइन किया और ऐसे करके बाहर तरफ निकल रहा है, आपके तरफ, आपके मुंह की तरफ आ रहा है। ऐसा हो रहा है क्या? कभी होता है ऐसा कि लाइट का रे आपका ऐसे टकरा गया और टकराने के बाद आपके मुंह की तरफ आ रहा है बाहर तरफ? कभी नहीं आता। वो जिस सरफेस पे आकर टकराया है, उसी सरफेस के अलोंग वो रिफ्रैक्ट करता है। यही है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन का पहला नियम, जिसे दिया है स्नेल्स ने। लेकिन बहुतों को ना कंफ्यूजन है, एक बड़ा कंफ्यूजन है बच्चों में कि सर लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, उनका जो सेकंड नियम है ना, वो स्नेल्स लॉ है, पहला नियम स्नेल्स लॉ नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, गलत है ये सोच, क्योंकि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के दोनों नियम स्नेल्स ने ही दिए हैं, इसीलिए हम दोनों को स्नेल्स लॉ कह सकते हैं। लेकिन मोस्टली हमें बहुत सारे बुक्स में ऐसा है कि सेकेंड लॉ को स्पेसिफाई किया गया है स्नेल्स लॉ के रूप में, इसीलिए बच्चों में कंफ्यूजन है। लेकिन बेसिकली ऐसा नहीं है, दोनों ही लॉ स्नेल्स भाई साहब के द्वारा ही दिया गया है। हाँ, तो इसलिए कंफ्यूज नहीं होना है किसी को, ठीक है? चलो, ये तो हो गया हमारा पहला नियम।
अब बढ़ते हैं दूसरे नियम की ओर। दूसरा नियम क्या है? दूसरा नियम समझने के पहले मुझे एक बात बताओ, ये जो आई है ना, ये जो मेरा एंगल आई है, इन दोनों के बीच का जो एंगल आई है और इन दोनों के बीच का जो एंगल आर है, ये दोनों का जो रेशियो है ना, वो हमेशा उन दोनों के मीडियम में जो लाइट का स्पीड है उनके वेलोसिटीज के रेशियो के बराबर होता है। ऐसा होता है कि द एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा रिलेट करता है उन दोनों के मीडियम में लाइट के वेलोसिटीज के साथ। लेकिन किताब में तो सर दिया हुआ है साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू बी वन बाई बी टू, लेकिन आपने साइन लिखा ही नहीं है। लेकिन मैं पूछता हूं तुमसे कि साइन का जरूरत क्यों है? पता है तुमको कि साइन क्यों जरूरत हमको है? कि ऐसा ही बस किताब में दिया है या तुमने मान लिया? हम नहीं मानते। चलो हम कुछ देर के लिए किताब में दिया हुआ चीज को नहीं मानते, हम मान लेते हैं कि नहीं I by R बराबर V1 और V2 होगा। तो चलो मान लेते हैं कि एंगल I का वैल्यू हम लोग लेते हैं 60 डिग्री, एंगल R उसके अकॉर्डिंग कम होना चाहिए, 30 डिग्री लेते हैं, ठीक है। और मुझे तो पता ही है कि स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितना होता है, वो ऑलवेज कॉन्स्टेंट है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड दैट इज द हाइएस्ट स्पीड ऑल्सो। और मुझे पता करना है ना कि ग्लास मीडियम में लाइट जो है जब घुसेगा तो कितना स्पीड हो जाएगा उसका। चलो फाइंड करते हैं हम लोग, तो हो जाएगा 60 डिग्री अपॉन 30 डिग्री इक्वल टू 3×10⁸ डिवाइडेड बाय V2। चलो इसको काटते हैं दोनों को, तो दोनों कट जाएगा और कटने के बाद 32 जा 60 एंड यहाँ हो जाएगा तुम्हारा 2/1 इज इक्वल टू 3×10⁸ डिवाइड बाई 2 V2 वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम। अच्छा अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो हो जाएगा मेरा अल्टीमेटली V2 इज इक्वल टू 3×10⁸ डिवाइडेड बाई 2 डिग्री। तो तुम अब बताओ क्या ये 2 डिग्री से ये 3 को तुम काट दोगे? बहुत सारे बच्चे काट देंगे, मार पड़ेगी बता रहे हैं, ऐसा गलती से मत करना, क्योंकि ये 2 डिग्री में है और ये 3 नंबर है कांस्टेंट, कभी ये दोनों आपस में कटेंगे नहीं। अब क्या करें, कैसे निकाले हम वेलोसिटी ऑफ लाइट इन सेकंड मीडियम, बताओ? बिल्कुल इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम लोग यहां पर इंट्रोड्यूस करते हैं साइन के वैल्यू को। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर रिलेटेड बाय साइन आर डिवाइडेड बाय साइन आर इक्वल टू V1 बाय V2। अब मैं तुमसे पूछता हूं या फिर तुम ही मुझसे पूछोगे, सर साइन क्यों, कॉस क्यों नहीं, टेन क्यों नहीं, कॉट क्यों नहीं? डेफिनेटली तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, लेकिन मैं तुम्हें कहूं कि तुम कॉस ले सकते हो, टेन भी ले सकते हो, फिर वो तुम्हारे नाम से नया नियम आएगा कि मान लो कोई बच्चा है अमित कुमार जिसने साइन के जगह कॉस लिया तो वो अमित्स लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन आ जाएगा फिर, राइट? बिकॉज कि देखो पहले जो सेल्स ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के दौरान ये पाया है कि साइन के मेजरमेंट को ही लेना होगा, तो दैट इज वाई आपको वहां पर साइन के मेजरमेंट ही लेने पड़ेंगे। That is why sin I by sin R is equal to V1 by V2. तो तुम्हें मैथ्स में ट्रिगोनोमेट्री में sin और cos, tan इन सब डिफरेंट ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ा होगा। तो हम सिंपली क्या करते हैं ना कि sin का मेजरमेंट I के लिए फाइंड करते हैं, sin का मेजरमेंट R के लिए फाइंड करते हैं और V1 और V2 करते हैं, तो मुझे काम बन जाएगा। मतलब ये कि मान लो ये मेरा एंगल I और ये मेरा एंगल R, इसका वैल्यू मेरा था 60 डिग्री, इसका वैल्यू था मेरा 30 डिग्री, तो अब इसमें स्पीड ऑफ लाइट था 3×10⁸ मीटर पर सेकंड, राइट? चलो अब हम लोग काम करते हैं, साइन ऑफ 60 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इज 3×10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय V2। तो साइन 60 का वैल्यू कितना होता है, पढ़े हो ना ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में? बिल्कुल, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2 डिवाइडेड बाय साइन 30 का जो वैल्यू होता है ना वो होता है 1/2,
वेरी गुड, 3 × 10⁸ अपॉन v2, एंड ये कुछ दिखाएगा ऐसे, √3/2 मल्टीप्लाइड बाय 2/1 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन v2, एंड दिस इज गोना कैंसल आउट. सो v2 इज इक्वल टू 3 × 10⁸ अपॉन √3. सो समथिंग इतना मेरा आ रहा है, जो कि आएगा लगभग √3 से ये कट गया, तो मेरा आएगा, अब काट सकते हैं, मेरा जो आंसर है √3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. तो √3 का वैल्यू कितना होता है, करीब करीब होता है 1.732 × 10⁸ मीटर पर सेकंड. सो दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट इन दिस मीडियम, बस यही हो सकता है पॉसिबल. तो इसलिए देखो कैलकुलेशन इजी हो गया. अब अगर हम यही साइन को इंट्रोड्यूस नहीं करते ना, तो ऑब्वियसली हमारा कैलकुलेशन पॉसिबल नहीं हो पाता, फाइन. लेकिन अगर हम बात करें कि क्या ये दोनों मीडियम में, क्या इन दोनों मीडियम में क्या स्पीड ऑफ लाइट वो हमेशा डिफरेंट डिफरेंट होगा, अगर हम इनके एंगल्स को चेंज कर दें, तो मान लो यहाँ हम 60 की जगह पर 40 डिग्री लेंगे, यहाँ पर 30 डिग्री लेंगे, तो क्या इनके स्पीड दोनों मीडियम में चेंज हो जाएगा? नहीं होता. आप दोनों मीडियम में किसी भी एंगल से लाइट को इंक्लाइन करवाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, उनके वेलोसिटीज जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, उनके वेलोसिटीज में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है उनके एंगल के ऊपर. यानी उनके वेलोसिटीज जो होते हैं ना, किसी गिवन पेयर ऑफ मीडियम के लिए, मान लीजिए एयर और ग्लास का बात कर रहे हैं, तो इस एयर ग्लास के लिए इन दोनों मीडियम का जो स्पीड ऑफ लाइट होगा वो ना कांस्टेंट रहेगा हमेशा, यानी कि ये दोनों का जो वैल्यू रहेगा वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, लेकिन फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडियम. एंड दैट इज द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन. The ratio of sine of angle of incidence and sine of angle of refraction is a constant for a given pair of medium. अगर आपके पास दो given pair of medium जो कि always constant है, तो उनके velocities के जो ratio होंगे उनके sine of r और sine of r के साथ वो हमेशा constant होगा. तो I hope मैंने बाकी सारे lectures के जैसा आपको traditionally इसको रटाया नहीं होगा, इसके हर एक वैल्यूज का जो पोजीशन है वो वहां पर क्यों है मैंने उसको क्लेरिफाई किया होगा, जैसे कि साइन आई साइन आर क्यों है, v1 में v2 क्यों है और कांस्टेंट क्यों है, इन सबको मैंने अच्छे से क्लेरिफाई किया है आपको. अब देखो बहुत बार ऐसा होता है ना, बच्चों को ये बोला जाता है या बच्चे ये बोलते हैं कि सर पता है ये जो हमारा सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ना, इसी को ना हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं. बिल्कुल सही बात है, इसको हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी कहते हैं, राइट. लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना बड़ा ही एक साफिर खिलाड़ी है, सिर्फ यही डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए काफी है ही नहीं, सिर्फ ये डेफिनेशन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए है नहीं, ये भी एक डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का. पता टोटल कितने डेफिनेशन है, टोटल 3 डेफिनेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, यानी कि ये तो है ही और इनके अलावा भी 2 और डेफिनेशन है. और पता है फॉर्मूला कितना है, टोटल नंबर ऑफ फॉर्मूलाज है 1, 2, 6 फॉर्मूलाज हैं, टोटल 6 फॉर्मूला है. मैंने कहा ना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इतना छोटा मोटा खिलाड़ी है नहीं, बड़ा सातीर है. इसका टोटल 3 डेफिनेशन है और 6 फॉर्मूला है, सोच लो. तो यहां पर जो हमने एक डेफिनेशन देखा और जो फॉर्मूला देखा, ये उन बाकी डेफिनेशन में से एक है और उन बाकी फॉर्मूला में से एक है. इसका और भी फॉर्मूला मुझे मिलेगा और भी डेफिनेशन मैं आगे देखूंगा. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का सिंबल होता है छुटकू एन, ये छुटकू एन उसका सिंबल है, माफ करना. तो आई होप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का बेसिक कॉन्सेप्ट है ना, ये तुम्हें समझ में आया होगा. चलो इसका सेकंड जो एक डेफिनेशन है उसे देखते हैं. मेरा फर्स्ट मीडियम मान लो वैक्यूम है और दूसरा मीडियम मेरा कुछ भी है, ग्लास वाटर टर्पेंटाइन पेट्रोल बियर विस्की कुछ भी, राम थर्रा हमको पता नहीं क्या है, मैं तुम कुछ भी है सेकंड मीडियम, ठीक है. हाँ, तो अगर हम बात करें इस फर्स्ट मीडियम का, तो इस फर्स्ट मीडियम में बताओ तो लाइट का स्पीड कितना होता है, बिल्कुल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, एंड दैट इज द हाईएस्ट स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम एवर. सही बात है ना,
इतना ही तो सबसे ज्यादा स्पीड होता है। अब हम अगर इस मीडियम के रिस्पेक्ट में हम किसी भी दूसरे मीडियम को, किसी भी अननोन मीडियम को कंपेयर करते हैं, तो हमारे पास एक नया रेशियो आता है। पता हो रेशियो कैसा होता है? वो रेशियो होता है, देखो इसका स्पीड क्या होता है, लाइट का स्पीड c होता है ना, लाइट का स्पीड इन एयर c होता है, सिंबल उसका। और लाइट का स्पीड किसी दूसरे मीडियम में मान लेते हैं वी एम है, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, किसी भी मीडियम में, मीडियम वन, मीडियम टू, मीडियम थ्री, कुछ भी है मेरे पास मान लेते हैं। तो अगर हम लाइट के स्पीड को, अगर हम एयर में है उससे अगर हम रिलेट कर रहे हैं लाइट के स्पीड इन डिफरेंट मीडियम, तो हमारे पास जो रेशियो आता है ना, इसे हम कहते हैं एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बिल्कुल, ये भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ही एक फॉर्मूला है, दैट इज एन इक्वल टू सी अपॉन वी एम, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वाटर और एनी अदर मीडियम इज नॉन एज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अच्छा, इसे एब्सोल्यूट क्यों कहा गया है पता है किसी को? इसे हम एब्सोल्यूट क्यों कहते हैं? देखो फिजिक्स में ना एब्सोल्यूट उसे ही कहा जाता है जो कि बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट है, उससे ऊपर कोई वैल्यू और है ही नहीं। उससे जब हम किसी ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं ना, तो वो एब्सोल्यूट कहलाता है। जैसे अगर तुम्हें पता है कि सबसे हाईएस्ट जो बिल्डिंग है तो वो क्या है इस पूरे वर्ल्ड में, डेफिनेटली बुर्ज खलीफा है। तो मैं अगर किसी भी बिल्डिंग को कंपेयर करूंगा तो डेफिनेटली मुझे उसके लिए एक स्टैंडर्ड चाहिए, और वो स्टैंडर्ड क्या है, बुर्ज खलीफा है, क्योंकि उससे लंबा बिल्डिंग तो है नहीं। अगर मुझे किसी भी टावर को कंपेयर करना है, स्टैचू को कंपेयर करना है तो मैं डेफिनेटली उसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्टैचू से कंपेयर करूंगा, क्योंकि दैट इज द हाइएस्ट स्टैचू इन द होल वर्ल्ड। तो उसे हम कहते हैं फिजिक्स में एब्सोल्यूट, जिस जहां पर हम किसी एक ऑब्जेक्ट को कंपेयर करते हैं एक दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ जो कि हाईएस्ट वैल्यू को बिलोंग करता है। यहां पर भी देखो, ये जो तुम्हारा एयर या फिर वैक्यूम में लाइट का स्पीड होता है ना, दैट इज हाईएस्ट। अब इससे तुम किसी भी मीडियम के लाइट के स्पीड को कंपेयर करो, वो हमेशा छोटा ही होगा। इसके कंपेयर में बाकी सारे मीडियम के जो लाइट के स्पीड होंगे ना, वो हमेशा कम ही होंगे। तो हम जब बाकी मीडियम के लाइट के स्पीड को कंपेयर करेंगे स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, तो उसे हम लोग कहेंगे एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। हुआ ना सेकंड ये डेफिनेशन, और ये मेरा हो गया सेकंड फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला मेरा था क्या था, साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू वी वन और वी टू इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, वो मेरा पहला फार्मूला था, और वहां पर सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन मेरा पहला डेफिनेशन था। ये मेरा सेकंड डेफिनेशन हो गया एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, और ये हो गया सेकंड फार्मूला। अब बढ़ते हैं थर्ड फार्मूला की ओर, आ रहा ना मजा? देखो ट्रेडिशनली मत समझना चीजों को, समझते हो जाना कि क्या हो रहा है, ठीक है? पता एक 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 बहुत ही अजीब सा एक जोक याद आ रहा मुझे इस क्वेश्चन के ऊपर। एक सीबीएसई में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज इक्वल टू होता है 2.42, और लिखा रहता है कमेंट। ये टू नंबर के लिए ये क्वेश्चन आता है, और बच्चे पता क्या करते हैं, बच्चे करते हैं उसका आंसर में, मैं बहुत जगह पर ऐसे देखा हूँ एक्चुअली, और बहुत ही अजीब लगता है चीज को देख करके, कि वी ऑफ डी इक्वल टू, इसका आंसर लिखता है बच्चा लोग 2.42 कमेंटेड। ये डेफिनेशन उसको लिख करके आता है, उसका आंसर लिख करके आता है। अब बच्चा करे भी तो क्या करे, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में ही नहीं आता किसी को, एक इतना कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। लेकिन मुझे लगता है कि आप तुमको धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा चीज सब, ठीक है? अब देखो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से तुम समझ कर सकते हो, डेफिनेशन समझ लिया हमने। लेकिन मान लो हमें ऐसा निकालने के लिए कहा गया है कि एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, ठीक है? तो क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, राइट? तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम होता है 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन, इसमें होता है 2×10⁸ मीटर पर सेकेंड।
पर सेकंड, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड कैंसिल हो गया, 10^8, 10^8 कैंसिल हो गया, ये कटा तो 1.5 आया। That is the most important thing, guys. इसे मिस मत करना। Refractive index of glass is equal to मेरा आ रहा है 1.5। ये जो मेरा स्टेटमेंट है ये पता क्या बोलता है, ये कह रहा है कि जैसे ही लाइट एयर से ग्लास में आ रही है ना, वैसे ही उसका जो स्पीड है वो 1.5 टाइम्स घट जा रहा है। उसका स्पीड 1.5 टाइम्स घट जा रहा है। ये कुछ ऐसा लिखा हुआ है, देखो थोड़ा सा और इलाबोरेट करते हैं इसको। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू सी अपॉन वी जी इक्वल टू 1.5, यही ना लिखा हुआ है। थोड़ा इसे और इलाबोरेट कर दो। तो इलाबोरेट करने से क्या होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू हम लिख सकते हैं सी अपॉन 1.52। अब बताओ ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि लाइट का स्पीड ग्लास मीडियम में क्या है 1.52 टाइम्स लेसर है किसके कंपैरिजन में, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर और वैक्यूम, राइट। तो आई होप एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अब पूरा क्लियर हो गया है। अब अगर एग्जाम में आता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इक्वल टू 2.42 कमेंट, तो आई होप अब बच्चे जो हैं वो कमेंटेड लिख के नहीं आएंगे। इसका मतलब सिंपल यही होगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इक्वल टू सी अपॉन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन डायमंड इक्वल टू 2.42, डेफिनेटली यही कुछ हो रहा है। और इसे तुम रीअरेंज कर सकते हो और तुम्हारे पास आएगा वी ऑफ डी इक्वल टू सी अपॉन 2.42। इसका मतलब सिंपल ये होगा कि द स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज 2.42 टाइम्स लेसर देन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम और एयर। सोचो 2.42 टाइम्स घटा देता है। एक बात याद रखना, सबसे कम स्पीड ऑफ लाइट होता है डायमंड में, बहुत ज्यादा डेंसर होता है ये। तो आई होप अब तुम्हें ये एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ में आ गया होगा। ये सेकंड डेफिनेशन है और ये सेकंड फॉर्मूला है। चलो अब इसके थर्ड डेफिनेशन की ओर जाते हैं। हमने अभी अभी कंपेयर किया एयर के रिस्पेक्ट में दूसरे मीडियम को। मान लो पहला मीडियम मेरा कुछ और है, एयर नहीं है, वैक्यूम भी नहीं है, दूसरा कुछ मीडियम है, वाटर है मान लेते हैं। अब हम अगर मान ले इन दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कंपेयर करें तो हमारे पास कुछ ऐसा आएगा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर और ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर, सॉरी ग्लास, तो हम कुछ ऐसा लिखेंगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास होगा। तो इस तरह का जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आता है ना, इसे हम लोग कहते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। पता रिलेटिव क्यों कहते हैं, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई रिलेशन में नहीं आता, अंकल चाचा चाची ऐसा कोई है नहीं। डेफिनेटली ये रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसीलिए कहते हैं इसे क्योंकि यहां पर तुम्हारा दो डिफरेंट मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम रेशियो निकाल रहे हैं, रिलेशन निकाल रहे हैं। इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो इसे हम ऐसे लिखते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, सॉरी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास। अब बच्चों कंफ्यूज होता है यहां पर बहुत ज्यादा, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं कि सर ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विथ रिस्पेक्ट टू ग्लास लिखे हैं तो इसमें हम ये एयर को ऊपर लिखे, वाटर को नीचे लिखे, या फिर वाटर को ऊपर लिखे और एयर को नीचे लिखे, दोनों सही है क्या? नहीं, दोनों नहीं सही है, कोई एक सही है इसमें से बिल्कुल। तो सही कौन सा है, पहचाने कैसे? ऐसे पहचानो चुटकी में। देखो विद रिस्पेक्ट टू का मतलब पता क्या होता है, डिवाइड, सिंपली डिवाइड और कुछ नहीं, डिवाइड। इसे अपने लैंग्वेज में पता क्या कहते हैं विद रिस्पेक्ट टू को, हम कहते हैं अपॉन, कहते हैं ना कि 2/3, 4/5, वही अपॉन है ये। तो वाटर अपॉन ग्लास, तो सिंपल बात है
कि वाटर अपॉन ग्लास, ये होगा काम हमारा। आई होप अब तुम्हें इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं रहा होगा, डेफिनेटली। अब चलो थोड़ा सा इसको और डेप्थ में जाते हैं। तो हमने कहा कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, थोड़ा इसे हम और सोचते हैं क्या हो सकता है। देखो ये हमारा एक तुम्हारा फॉर्मूला एक और हो गया, ठीक है। हमने जो भी बताया ये फॉर्मूला निकल गया कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। यहां हम क्या निकाल रहे हैं, यहां हम निकाल रहे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में, तो भाई ग्लास के रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं सर, ठीक है। उसमें क्या करते थे, उसमें हम लोग एयर के रिस्पेक्ट में निकालते थे, यहां हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा भी एक फार्मूला और हो सकता है। क्या हो सकता है फार्मूला, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, यह भी तो पॉसिबल है कि इस मीडियम का तुम्हारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पहले मीडियम के रिस्पेक्ट में हो ही सकता है। तो इसे हम वाटर ग्लास, ग्लास वाटर ना कह के इसे मीडियम वन और इसे मीडियम टू कह दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो सकता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू, या फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम वन, है ना। तो मेरे पास पहले दो फार्मूला था, ये एक फार्मूला हुआ और ये एक फार्मूला हुआ, चार हो गया। और डेफिनेशन नंबर थर्ड, और हमारे पास दो फार्मूला बचता है जिसके बाद रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का पूरा खानदान खत्म हो जाएगा। बिल्कुल, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, मुझे बताओ वाटर का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसे क्या मैं सी अपॉन वी ऑफ डब्ल्यू लिख सकता हूं। अरे बिल्कुल लिख सकते हैं पगला, क्या दिक्कत है। हम किसी भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखते हैं ना, वो एक्चुअली में क्या होता है पता है, वो एक्चुअली में होता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है किसी एक मीडियम का। जैसे कि हम लिखे हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, तो वाटर का किसके कंपेयर में निकाल रहे हैं हम, तो वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ निकाले हुए हैं हम किसके रिस्पेक्ट में, हम लोग निकाले हैं इसका वाटर का निकाले हैं एयर का रिस्पेक्ट में। वैसे ही ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम बात कर रहे हैं यहाँ पर एन ऑफ जी, ये किसके रिस्पेक्ट में निकाले हैं, ये भी निकाले हैं एयर के रिस्पेक्ट में। क्योंकि कोई भी मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है ना, वो हाईएस्ट वैल्यू के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, हमने पहले बोला है आपको। इसीलिए हम एन ऑफ डब्ल्यू यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इक्वल टू सी अपॉन वी ऑफ डब्ल्यू लिख सकते हैं। वैसे ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास हम लिख सकते हैं क्या, हम लिख सकते हैं सी अपॉन वी ऑफ जी। तो इसे अगर हम आगे सिंप्लीफाई करें तो सी अपॉन वी ऑफ डब्ल्यू इंटू वी ऑफ जी अपॉन सी, सी सी कैंसिल हो गया, तो वी ऑफ जी अपॉन वी ऑफ डब्ल्यू जो कि मेरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मेरा आता है। वाओ, है ना, कितना आसान है, देखो ज्यादा मुश्किल है नहीं, रटोगे तो मुश्किल है, समझ जाओगे तो बहुत आसान है। तो इसे ही हम इस वन और टू के रिस्पेक्ट में कैसे लिखेंगे, तो लिखेंगे हम इसको अगर वन मीडियम मानते हैं, इसको अगर टू मीडियम मानते हैं, तो मेरा हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड मीडियम इक्वल टू क्या होगा, ये सेकंड मीडियम का वेलोसिटी है राइट, और ये फर्स्ट मीडियम वेलोसिटी है, तो हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम। एंड दिस इज आवर फिफ्थ नंबर फॉर्मूला, समझ में आया। और इसी को अगर हम इस वाले के फॉर्म में लिखें यानी कि n ऑफ 2 1, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट मीडियम डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ सेकंड मीडियम, ये हो गया मेरा सिक्स्थ नंबर का डेफिनेशन सॉरी फॉर्मूला। तो आई होप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको डैम क्लियर हुआ होगा, कोई इसमें इश्यू नहीं होना चाहिए। सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मतलब यही हम लोग फाइंड करना चाहते हैं कि किसी भी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट का रे आता है तो उनके स्पीड में, लाइट के स्पीड में कितना का चेंज होता है, कितना ज्यादा वो वेलोसिटी को चेंज कर पाता है, कितना ज्यादा बढ़ा पाता है, कितना कम कर पाता है। तो भाई देखो यहां पर दूसरी बात एक और यह है कि किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में आने पर इनके एंगल्स के वैल्यू कितने चेंज होते हैं, ये भी हम पता कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। इसके बारे में हमने सबसे पहला नियम में देख लिया ऑलरेडी, सबसे पहले वाला नियम में हमने यही देखा है,
साइन आर बाई साइन आर इक्वल टू वी वन बाई वी टू, समझ में आ रहा ना। तो इस तरह से हमारा जो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का ट्रेडिशनल एक बड़ा सा डर था लोगों के मन में, अब बच्चों के मन में वो नहीं रहना चाहिए। आई होप मैंने सारी चीज़ों को क्लियर कर पाने में कैपेबल रहा हूँ मैं। तो अगले वीडियो में तुमसे मुलाकात फिर से होगी कुछ और टॉपिक्स के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहो, गुड बाय।